पठानकोट पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग पर नाका लगाया हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई नशा तस्कर अपनी जम्मू के नंबर की गाड़ी में सवार होकर पंजाब में दाखिल हो रहा है, जो पंजाब में नशे की सप्लाई करता है, जिसके चलते पुलिस ने नाके के दौरान जब जम्मू कश्मीर के नंबर की गाड़ी को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो गाड़ी में 100 ग्राम हीरोइन और 7,25,000 रुपए ड्रग मनी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को उम्मीद है कि पकड़े गए तस्कर के तार बड़े स्तर पर जुड़े हो सकते हैं, जिसको लेकर तस्कर से पूछताछ की जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी, जिसके चलते एक नाके के दौरान तस्कर को पकड़ा गया है। इससे 100 ग्राम हीरोइन और 7,25,000 रुपए ड्रग मनी बरामद की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये जम्मू कश्मीर से ड्रग की सप्लाई लाता था, जिसके चलते हम पूरी तफ्तीश कर रहे थे कि इसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿਟੀ ਰਜਿੰਦਰ ਮਨਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇੜੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਸਵਿਫਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੇ 086985 ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਠੂਏ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 7,25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। इंदौरा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट।